तो भ्रष्टाचार पे वार, काले धन के ऊपर एक और वार। बिल्कुल, ये सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट टू है। प्रतीक जी, जब इस देश के अंदर नोट बदली हुई थी तो वो पहली बार काले धन की अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ा प्रहार था, जिसने कि पाकिस्तान को भी बर्बाद करके रख दिया, उन आतंकी संगठनों को भी बर्बाद करके रख दिया जो देश के अंदर दंगे का केंद्र थे। और मैं पूछना चाहता हूं, अरे दर्द किसको है? 2000 का नोट बंद होने जा रहा है तो दर्द किसको है? उसी को तो होगा जिसके घर में गट्ठर भरकर जिसके घर में गट्ठर भरकर रखा होगा। गट्ठर माने समझते हैं? हाँ जी, बहुत ज्यादा। आगे आओ, गट्ठर माने क्या होता है? आगे आओ, आगे आओ ना। गट्ठर माने क्या होता है? काफी ज्यादा। एक से कहाँ के रहने वाले हो? बिहार। बिहार में तो गट्ठर माने नहीं जानते? अरे लकड़ी का गट्ठर, क्या यार कैसे आदमी हो? जब शो में मजा कैसे आएगा जब तुम, हाँ वो देखो ऑटो वाले भैया मुस्कुरा रहे हैं, उनको मालूम है गट्ठर, और गट्ठर भरकर रुपया। जी, इन्होंने कहा कि पेट में दर्द क्यों है आपके, समाजवादी पार्टी? पिछली बार भी जब नोटबंदी हुई तो इनका ये तोगलकी फैसला था क्या, 2000 का नोट बनाना, फिर क्यों बंद कर दिया अभी? और एक चीज बताई दे रहा हूँ कि 21,000 करोड़ से ज्यादा नोटों की छपाई में हुआ, और जब 2000 का नोट एटीएम में फंसने लगा तो उसके लिए दोबारा उसका खाता बनाया गया, उसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए। दूसरा, भ्रष्टाचार की बात कर रहे, काला धन विदेशों में डबल हो गया, किसकी बात कर रहे हैं? जी, नई जानकारी के साथ है कि वो खाचे में फंसने लगा। अब ये वही लोग हैं जो बता रहे थे कि उसमें एक चिप लगा रहता है। देखिए, 2000 के नोट में एक चिप लगा रहता है। अब अरे भाई, वो एटीएम से 2000 का भी नोट निकल आएगा, 100 का भी निकल, हाँ हाँ ले लीजिए, इस बार आप ही के यहाँ से लड़ रहा हूँ मैं। जी हाँ, कहाँ से आना हुआ? बिहार से सर। बिहार से, तो वही बोलो, यहाँ तक कैच करेगा। देखिए ऐसा है कि समाजवादी पार्टी का जो नेतृत्व कर रहे थे माननीय नहीं, उनके पिता मुलायम सिंह यादव जब पार्लियामेंट में जब बैठक होती थी, स्वर्गीय है, हाँ लेट हमने बोला है, मुलायम सिंह यादव पूरी उनके जो हमारे माननीय हैं वो जो है बकआउट कर जाते थे संसद की, उनकी वोटिंग होती थी, संसद में वोटिंग क्यों नहीं करते थे, बकआउट क्यों कर जाते थे? उस पर जवाब दे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, बकआउट क्यों करते हैं आप? जब देश में कोई भी, जैसे बहन मायावती जी हैं बसपा सुप्रीमो, वो देश के हित में जब भी होता है तो वोट करती हैं। हम लोग वोट मारने का अंडर आर्टिकल 326 में प्रोविजंस है, पार्लियामेंट में जो भी चुन के जाते हैं, आप जो है सदन से बाहर वॉकआउट कर जाते हैं और देश में कहते हैं कि हम समाजवादी विचारधारा के। मैं वाक्य पूरा करवाना चाह रहा था, किसी को किसी के कपड़ों से नहीं नापना चाहिए हुजूर आली। गाड़ी बड़ी बैठे अगवा, कौन सी गाड़ी है? मैं टाटा नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन। अरे गाड़ी पूछा तो कह देते गाड़ी है, मैंने ब्रांड थोड़ी पूछा था। आदमी को गाड़ी से उसके कपड़ों से नापने की कभी गामत न करिएगा, वो गलती खा जाएंगे आप, क्योंकि कौन सवाल कब कहां कैसे पूछेगा ये तो उसकी विद्वता पे है। क्या नाम है आपका? सत्यशील प्रकाश वर्मा। सत्यशील प्रकाश वर्मा। कहां से आना हुआ जी? बिहार सासाराम। बिहार सासाराम से। समाजवादी पार्टी जवाब देंगे? जवाब भाई, कांग्रेस और बीजेपी दोनों लोग हैं पीछे। बहुत देर तक तो उनका सवाल ही समझ में नहीं आया। मैंने कहा अभी तो इतनी गर्मी भी नहीं पड़ रही है, पता नहीं क्या घंटे संडे। पहले बड़ी देर तक सवाल ही नहीं समझ में आया, और जब आया यही होता है, जनता समझ में नहीं आती है, मामला निकल। हाँ समाज समझ में। हाँ हाँ हाँ। अरे भैया, जनता का सवाल इनको समझ में नहीं आ रहा, ये बात नहीं है, जनता को ये समझ में नहीं आ रहे हैं आप। दूसरी चीज, एक चीज कर्नाटक में लगता है कि पंजे की चपत इतनी जोर से लगी कि फैसले भी उल्टे सीधे करने लगे, क्योंकि पहले भी गड़बड़ करी अब फिर गड़बड़ कर दी। ये जनता का टैक्स पेयर का पैसा था, 21,000 करोड़ से ज्यादा जो चला गया, आप कह रहे 2000 के नोट वापस लेने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों नहीं पड़ रहा है? तो फिर आपने पहले डिसीजन क्यों लिया? इन्होंने ये कहा था कि बड़ा नोट इसलिए नहीं बनाएंगे कि भ्रष्टाचार ब्लैक मनी बढ़ जाएगी, लेकिन 1000 का बंद करके इतने होशियार लोग है 2000 का बना दिया, कमाल के लोग है। इनकी विद्वता पर मुझे प्रश्न चिन्ह लगता है, इन्हें ये नहीं पता कि इससे कितना बड़ा नुकसान हुआ देश का। उस समय चुपचाप खड़े रहो, वहां पे करेंसी की जो शॉर्टेज थी उसको पूरा करने के लिए इन्होंने, ये सरकार
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अरे भाई भाई सुनिए मेरी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, अपनी बात तो मैं बाद में रखूंगा, शॉर्टेज ऑफ करेंसी की बात करिए। बीजेपी बीजेपी अंदर कांग्रेस जी रुको। प्रतीक जी ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की भ्रष्टाचार पर वार है, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर जिनकी काली करतूते काले कारनामे और काले धन छुपा रखे वही हाहाकार मचा रहे हैं आज। जनता हाहाकार नहीं मचा रही है, देखिए जनता ना लाइन में खड़ी हुई है ना परेशान हो रही है, लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ प्रतीक, जनता के पास पैसे ही नहीं 2000 करोड़। मैंने बोला ना जिनके पास काला धन छिपा हुआ है, जिनके काले कारनामे काली करतूते हैं, जिनके बैड में बैड के बैड 2000 के नोटों से बने हुए, वो याद आ गया मुझे किसके बेड में वो जब सोते थे तो वो बेड के ऊपर पैसे थे। कहाँ से आजा, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। सर मैं यहाँ पर बातें तो बहुत होती रहेगी लेकिन मैं एक मुद्दा लेके आया हूँ और आप आपके माध्यम से बहुत बार आपने वेरी क्विकली आप कमिंग, एक मुद्दा है कोई रख लें, कहाँ से आना हुआ बताइए पहले। विधानसभा शकूर बस्ती रानी शकूर बस्ती से दिल्ली से जी। हाँ सर, वहाँ पर सर एक रोड है रॉयल होटल रानीबाग ऋषिनगर के सामने, एक सर्कल बना हुआ है, 2016 से लेकर अभी तक वहाँ पर 42 मौतें ऑन द रोड पे हो चुकी है। 42? हाँ जी सर। और रानीबाग थाने पे एक रजिस्टर है, उसका ऊपर नाम लिखा है रॉयल होटल, सिर्फ रजिस्टर लिखा है उसमें नाम चढ़ता रहता है, डेथ होगी एक्सीडेंट हुआ तो वो हो गया लेकिन रियलिटी में काम नहीं हो पा रहा। वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर सतेंद्र जैन, सतेंद्र जैन जी कहाँ है ये सबको पता है, लेकिन वहाँ के मतील मिथिलेश पाठक जो नेता है आपकी, उन्होंने कहा बहुत जल्द बन जाएगी, लगभग 2 महीने से ऊपर हो गया है ना इनसे रोल होया जा रहा है। फिर रानीबाग थाने के एसओचओ ने बोला कि हम वहाँ पर बैनर नहीं लगा सकते अभी, लेकिन आप बैनर नहीं लगा सकते लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो निकाले, पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार की है, हैं? और वहाँ पर रोड जो हो रहा है क्या 43 साल रोड देख रहे हो कि ऑन द रोड पे। सर एक बात और कहना चाहूंगा, सबसे कहता हूँ जिस ऑन द रोड पे रोड में मौत होती है ना वो उसकी नहीं होती, उसके परिवार की होती है, जो हिस्सा चला जाता है 43 की क्या इंतजार कर रहे हैं क्या, और कब बनेगी? मैं इतना चाहता हूँ हाथ जोड़ के प्रदीप सर, हाथ जोड़ के आपसे कि इसमें कोई रास्ता निकाले कि कोई स्लो मोशन या कुछ तो ऐसा बनेगी जो रोड सर्कल बनता है जिस तरह से तेज हो। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तरुण शर्मा है सर। तरुण शर्मा, बहस तो अब शुरू हुई, बहस अब शुरू हुई, मैं किसी को छोटा या बड़ा नहीं कहता, किसी मुद्दे को बड़ा या छोटा नहीं कहता, हमारी डिबेट में तो अक्सर ये होता है, कहीं से शुरू होती है कहीं पे पहुंच जाती है। लेकिन नाम आपका? तरुण शर्मा सर। आप तरुण शर्मा जी, तरुण शर्मा जी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। 43 मौतें और उस 43 मौतों में पीछे कितना परिवार जुड़ा होगा, और रोड एक्सीडेंट में शकूर बस्ती का वो जो आपने कौन सा होटल बताया, रॉयल होटल के पास की वो जो रोड है वो बताया, बोला एक फाइल ही बनी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि रॉयल होटल मौतें सड़क दुर्घटना मौतें 43, जैसा ये बता रहे हैं। बहुत शर्म की बात है, दिल्ली में है कहीं और दूर की बात नहीं है। प्लीज प्लीज हॉस्पिटल के पास मेरा भी एक्सीडेंट हुआ। जी जी आपका भी एक्सीडेंट हुआ, प्रभु सबको ठीक रखे, लेकिन ये बात सच में बहुत चिंताजनक है, बेहद चिंताजनक है, और ये इसका जरूर निस्तारण होना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि मैं ब्रेक पे जा रहा था, नाम क्या है आपका? कन्हैया। कन्हैया जी, अब तो आप तो कन्हैया ही हैं, तो कन्हैया तो कुछ भी हंस भी सकता है रो भी सकता है, लेकिन आप हंस क्यों रहे थे? नहीं मैं कुछ नहीं हंसा, पर्सनल में ये सोचा, मैं पर्सनल प्रॉब्लम बता रहे हैं। वो पर्सनल प्रॉब्लम बता रहे हैं? हाँ उनका एक्सीडेंट हुआ था तो वो अपने प्रॉब्लम को बताने लगे। कुछ कहना है क्या? नहीं कहना नहीं है ना, कोई बात नहीं। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं या ब्रेक के बाद आऊं? थोड़ा सा एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूं और फिर बातचीत।